हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका मनोजाइस यूट्यूब चैनल में। आपको आज हम एक कहानी बताने चल रहे हैं जो यूपीएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, यूपीपीसीएस में भी उसे क्वेश्चन आते हैं। एक कहानी है, आपको नाम सुना भी होगा, चीफ की दावत। चीफ की दावत, चीफ की दावत कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी, बहुत फेमस कहानी है ये। कहानी वर्तमान युगीन परिस्थितियों पर आधारित है। ये जो चीफ की दावत कहानी है ये विभिन्न वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित है कि एक बालक पढ़ लिख करके एक कंपनी में अधिकारी बनता है और उसके प्रमोशन के लिए एक पार्टी रख, बहुत छोटी सी घटना है, एक प्रमोशन के लिए एक पार्टी रखी जाती है और पार्टी में उसके चीफ आते हैं। कौन आते हैं? चीफ आ रहे हैं, वह अमेरिका से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? चीफ जो आ रहे हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं, उन्हीं के बारे में एक कहानी रखी गई है। इस कहानी में इस बात की चर्चा की गई है कि जैसे अभी कहानी की समीक्षा अगर पूछता है, समीक्षा, इसकी समीक्षा की बात अगर करता है, कहानी की समीक्षा, तो क्या है समीक्षा इसकी? ठीक है, तो समीक्षा में सबसे पहले हम ध्यान देते हैं इसके जो है कथानक क्या है। क्या कथानक? कथानक, कथानक की बात करेंगे। कथानक क्या है? तो कहानी की कथा क्या है आपको बता दें। चीफ की दावत जो कहानी है, चीफ की दावत, चीफ की दावत जो कहानी है भीष्म साहनी की, इसमें जो है जो कहानी है वो ये है कि एक बालक है, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करता है और उसके उसका प्रमोशन होना होता है और इसके लिए एक पार्टी रखी जाती है। वो अपने घर पर एक पार्टी रखता है और उसके लिए वो क्या करते हैं, पूरी तैयारियां कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि अपनी माँ को कहाँ पर छिपाएं, क्योंकि माँ जो है पुराने ख्यालों की है, बूढ़ी हो चुकी है, सोने पर खराटे भी ले रही है। ऐसे समय में माँ को छुपाने की बात आती है कि माँ को कोई देख ना पाए, क्योंकि माँ जो है पार्टी की रौनक खराब कर सकती है। इस स्थिति में समानाथ जो है, जो इसका नायक है, अपनी पत्नी से बोलता है कि इस माँ को कहाँ पर छिपाएं, तो वह तुरंत बोलती है कि पड़ोसी में, इन पड़ोस में इनकी दोस्त रहती हैं, उनके यहाँ इनको कर देंगे। और तो कहा नहीं नहीं वह बुढ़िया जो है पुनः आने लगेगी। तो इससे जीवन में एक रास्ता का पता चल रहा है कि कहानी जीवन की एक रास्ता को बयां कर रही है कि न तो पड़ोसियों से तालमेल रखा गया है, न ही अगल बगल के लोगों से कोई मतलब है, और माँ जो पुराने ख्यालों की है उससे भी दूरी बनाया जा रहा है। इस कहानी में जो मूल भाव है ये है। और अंततः जो है ये बात आती है कि माँ को खिला करके उसके खुद के कमरे में करके बाहर से उसमें ताला लगा दिया जाएगा, और जिससे जो है चीफ की नजर उन पर न जाए। लेकिन होता क्या है कि माँ जो है सो जाती है और चीफ का आगमन होता है। चीफ माँ खराटे ले रही होती है और समानाथ सब लोग पार्टी में मस्त हैं, लेकिन उसी समय चीफ घूमते टहलते उसके पुराने कमरे की तरफ चला जाता है जहां पर माँ कुर्सी पर बैठकर सो चुकी थी और खराटे ले रही थी। उनको देख करके चीफ की आंखें जो है खुश हो जाती हैं, लेकिन समानाथ जो है अंदर ही अंदर क्रोधित हो जाता है और माँ को जो है तुरंत जगा देता है, क्योंकि उसकी माँ उस समय सोते हुए खराटे ले रही थी। चीफ जब उनसे हाथ मिलाया तो माँ जो है हड़बड़ी में आकर के क्या करती है, उल्टा हाथ ही मिला देती है। परिणाम स्वरूप समानाथ अंदर ही अंदर बहुत बौखलाए हुए थे, लेकिन चीफ के सामने वो बेबस थे, कुछ उसको बोल नहीं सक रहे थे। लेकिन जो है अंत में होता क्या है कि चीफ जो है माँ से फुलकारियां बनाने और देसी गाने सुनते हैं, तो माँ जो है उन्हें गाने भी सुना, बेटे की खुशी के लिए गाने भी सुनाती है और फुलकारी भी बनाने की बात करती है। और इस पर खुश
चीफ जो है बहुत खुश हो जाते हैं। ये कहानी का मुख्य कथानक है और कहानी जो मध्यवर्गीय समाज की विसंगतियों पर बनाई गई है, इसमें जो पात्र हैं पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों प्रकार के पात्र हैं, इसमें भाषा इसकी सरल संगठित और सुसंबद्ध है और कहानी का नामकरण भी बहुत ही उचित हुआ है। कहानी का नामकरण चीफ की दावत एकदम बहुत ही परफेक्ट इस पर बैठती है कि चीफ की दावत कहानी का जो नाम है वह इसी के अनुरूप है। ठीक है, तो ये कहानी रही है चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि माँ का हृदय पुत्र के लिए किस प्रकार से खुशी के लिए वह जो है हाथ भी मिलाती है, गाना भी जोड़ शोर कर सुना देती है और जो है फुलकारियां भी बनाने की हामी भर देती है, क्योंकि बेटे और बाद में जो है बेटे की पदोन्नत हो जाती है। और समाज में आपने इस कहानी में देखा कि चीफ जो है माँ से खुश इसलिए है क्योंकि वह एक अच्छे विचार का व्यक्ति है, जबकि समानाथ जो है एक कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है। उसे लगता है कि बूढ़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, बूढ़े किसी पार्टी के रंगत को खराब कर देते हैं। इस तरह की बात को ध्यान में रखकर ये काम करता है। तो कहानी अपनी इस समीक्षात्मक पद्धति की बात करें तो कहानी की जो भाषा है वह सरल सुबोध्य है। इसके पात्र एवं चरित्रण के मुख्य पात्र जो है समानाथ है जो पढ़ा लिखा है, जबकि गौण पात्र में उसकी माँ है जो एक अनपढ़ है किंतु वह पुराने ख्यालों की है और व्यवहार कुशल है। इस तरह की विचारधारा इसमें दिखाई दे रही है। नामकरण इसका देख लिए, चीफ की दावत नामकरण बहुत ही अच्छा है। कहानी का उद्देश्य क्या है? मध्यवर्गीय समाज में आई विसंगतियों को दूर करना। कहानी का उद्देश्य क्या है? जो मध्यवर्गीय समाज है इसमें आई विसंगतियों को चीफ के माध्यम से दूर करने का प्रयत्न किया गया है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो बहुत बड़े ओहदे पर है वह पुराने व्यक्तियों से भी उतना ही महत्व रखता है। इसका मतलब ये शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि मनुष्य क्या है कितना भी बड़ा हो जाए वह पुराने गुणों को नहीं त्यागना चाहिए। ये कहानी का जो है उद्देश्य है। तो इस कहानी को ही चीफ की दावत के नाम से जो है उन्होंने कहा है। समीक्षा लिखते समय आपको क्या ध्यान देना चाहिए? कथानक लिखना जरूरी है। कथानक, पात्र एवं चरित्रण, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद योजना, इसी को कथोपकथन भी बोलते हैं। कथोपकथन, कथोपकथन और भाषा शैली, नामकरण और छठवां इसका है उद्देश्य। ये जो है कहानी के समीक्षा करते समय इतनी चीजों को लिखना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप लिख करके कहानी की सार्थकता को सिद्ध कर दे। तो कथानक मैंने बता ही दिया कि कथानक क्या है, कि समानाथ जो है समानाथ के घर में पदोन्नत के लिए एक मतलब उनकी क्या होनी थी मतलब होनी थी और पदोन्नत के लिए वो क्या करता है अपने घर पर एक पार्टी रखता है और उसकी माँ पुराने ख्यालों को है उसे गायब छिपाने की बात कही गई है, लेकिन चीफ की निगाह वहां तक पहुंच जाती है। इस कहानी को लिखना है। पात्र इसके क्या हैं? पढ़े लिखे पात्र हैं और जो है अनपढ़ पात्र हैं, दोनों तरह के पात्र हैं, पुराने ख्यालों के भी पात्र हैं इसमें। ठीक है, फिर इसकी संवाद योजना बताना है, संवाद योजना किस तरह के, कथोपकथन क्या है, भाषा शैली इसकी क्या है, भाषा इसकी सरल सुबोध और बोधगम्य शैली है। जैसे इसमें आपको देख लीजिए कि हिंदी के शब्द तो हैं ही हिंदी, इसके अतिरिक्त हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, हिंदी और अंग्रेजी के कुछ शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। नामकरण की बात करें तो चीफ की दावत जो कहानी है इसका नामकरण इस पर पूरा परफेक्ट बैठता है, इसको इसमें बताया गया है। ठीक है, इसके बाद इसका उद्देश्य है, उद्देश्य आप समझ सकते हैं, मध्यवर्गीय समस्याओं मध्यवर्गीय समाज में कुत्सित विचारधारा को पढ़े लिखने होने पर भी
दूर नहीं हो रही उसको दूर करने का प्रयत्न इस कहानी में कहा गया। यह कहानी की समीक्षा है, ठीक है। यह कहानी जो है यूपीएससी में पूछ चुका है अभी हाल ही में, एक दो साल पहले। तो आप ये जान लीजिए, इस कहानी को आप अगर पुनः ध्यान में रखेंगे तो विश्व सहनी की कहानी जो है आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मनोज आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे जुड़े रहें, ठीक है। और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद।